याद कीजिए कश्मीर को, किसको, कश्मीर की वादियों को याद कीजिए। और अगर कश्मीर जाओगे दोस्तों तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो बूलन के कपड़े हैं, किसके कपड़े हैं, बूलन के कपड़े आपको डालने पड़ेंगे, बूलन के कपड़े दोस्तों आपको अपने साथ लेकर जाने पड़ेंगे। तो देखिए कश्मीर जाओगे तो बूलन के कपड़े डालने पड़ेंगे, तो बूलन से क्या बन गया, बूलन से बन गया मेरे लाडलो बूलर झील। कौन सी झील बन गई, बूलर झील, जिसका आप फोटो देख भी रहे हैं। और डालने से क्या बन गया, डालने से बन गया दोस्तों डल झील। कौन सी झील बन गई, डल झील बन गई, जिसका फोटो आगे आने वाला है। तो बूलर झील कहां पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है दोस्तों, और इसे भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मानते हैं, किसे, बूलर झील को। तो बूलर झील दोस्तों बूलन के कपड़े डालने पड़ेंगे, तो ये कहां पर हो गई, जम्मू कश्मीर के अंदर हो गई। अगली जो झील है ना दोस्तों आपका दिल गार्डन गार्डन कर देगी, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं। देखिए ये झील जो है दोस्तों वो आपके सामने है, और इसकी एक बार आप आकृति देखिए मेरे लाडनो, इसकी जो आकृति है वो कुछ किस तरह है, वो कुछ मेरे दोस्तों हर्ट की शेप में, किस शेप में, हर्ट की शेप में। इसे दोस्तों अब मुझे बताइए आप इसकी आकृति कैसी है, हर्ट की शेप में, कैसे है दोस्तों, हर्ट की शेप में। और दोस्तों आप जानते हो जब भी आप किसी हुस्न को देखते हो तो आपके अंदर का गाना जो है वो अपने आप बाहर निकल जाता है। देखना दोस्तों कि जब आप हुस्न को देखते हो तो गाना जो है वो क्या होता है, अपने आप बाहर आ जाता है। तो दोस्तों हुस्न से क्या बन गया, हुसैन सागर बन गया, क्या बन गया, हुसैन सागर बन गया। और मेरे लाडलो गाना से क्या बन गया, गाना से बन गया तेलंगाना, क्या बन गया, तेलंगाना। तो अगर आपसे पूछ ले हुसैन सागर कहां पर है, तेलंगाना के अंदर है। और दोस्तों आपको याद कैसे आएगा कि इसकी आकृति कैसी है, इसकी आकृति है हर्ट शेप की, कैसी है, हर्ट शेप की इसकी आकृति है। दोस्तों समझाने के लिए सब बातें बता रहा हूं, केवल इस क्लास में समझने के लिए दोस्तों आपको ये सब बातें सोचनी है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, लोकटक झील। कौन सी झील है, लोकटक झील। और मेरे दोस्तों जब भी आप कोई मणि देखते हो तो आपकी आंख एक टक उस मणि को देखती है, मतलब दोस्तों जो मणि होगी इस मणि को क्या होगा, आपकी जो आंख है वो एक टक देखेगी। तो मणि को आपकी आंख एक टक देखेगी, तो टक से क्या बन गया, टक से बन गया लोक टक, क्या बन गया, लोक टक बन गया। और मणि से बन गया मेरे लाडलो मणिपुर, कौन सा, मणिपुर। शायद आपको याद होगा मेरे दोस्तों यहां पर एक जीव रहता है, और वो जीव क्या है दोस्तों, थोड़ा शरारती टाइप का है, होता क्या है, वो जीव है मेरे दोस्तों, वो क्या करता है, वो यहां पर पाया जाता है। अब होगा क्या, अगर वो दबाव लगाएगा दोस्तों तो ये क्या होगा, ये जो घास है वो डूब जाएगी। लेकिन दोस्तों इसलिए क्या करता है वो, इसलिए वो यहां से उछलकर यहां, यहां से उछलकर यहां, इसलिए इसको बोलते हैं डांसिंग डियर, क्या बोलते हैं, डांसिंग डियर, उछल कूद करने वाला डियर। और इसी का नाम है दोस्तों संगाई, क्या नाम है, संगाई। तो ध्यान रखना है मणिपुर का जो दोस्तों स्टेट एनिमल है संगाई, वो कहां पर मिलता है दोस्तों, लोकटक झील में मिलता है, जिसे हम डांसिंग डियर कहते हैं। अगली झील देखिए लोनार, कौन सी झील है, लोनार मेरे दोस्तों। और इसकी जो कलर है वो अनार की तरह हो गया, क्या हो गया है, इसका जो कलर है अनार की तरह हो गया। तो लोनार से क्या बन गया, अनार बन गया मेरे दोस्तों। और आपको याद रखना है कि जो अनार है फलों के लिए कौन सा राज्य फेमस है साथियों, महाराष्ट्र फेमस है। आपको याद है नागपुर के संतरे कहां के हैं, नागपुर के हैं दोस्तों, नागपुर कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। तो लोनार दोस्तों, लोनार का जो रंग है वो कैसा हो गया, अनार की तरह हो गया। और दोस्तों फलों के लिए कौन फेमस है, फलों के लिए महाराष्ट्र फेमस है, याद रखोगे कैसे, नागपुर के संतरों की वजह से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, चिल्का झील मेरे दोस्तों, चिल्का झील याद कैसे रखोगे, उड़ी चील, क्या, उड़ी चील, चिल्का झील मतलब कि उड़ी चील, आपको दिख रहा होगा मेरे दोस्तों पक्षी क्या कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों राजूरी टीम ने फोटो भी वही लगाया है जो उसकी थीम से मैच कर सके, उड़ी चील मतलब कि पक्षी क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो दोस्तों उड़ी से क्या बन गया, उड़ी से बन गया ओडिशा, क्या बन गया, ओडिशा
चिलका बन गया और चील से क्या बन गया, चील से बन गया चिलका झील। कौन सी झील? चिलका झील, जो कि भारत की सबसे खारी झील है। कौन सी? चिलका झील। अगला है लाडलो नक्की झील। कौन सी झील है? नक्की झील। आप जानते हो दोस्तों राजस्थान जो है, राजस्थान में नाक संभालनी पड़ती है। राजस्थान में किसकी लड़ाई होती है? नाक की लड़ाई होती है दोस्तों। तो नाक संभालनी पड़ती है अगर जान बचानी है, तो क्या? अगर जान बचानी है तो राजस्थान में क्या होगा दोस्तों? राजस्थान में नाक संभालनी पड़ेगी अगर क्या करनी है, अगर जान बचानी है। तो नाक संभालनी पड़ेगी अगर मेरे दोस्तों जान बचानी है। अब देखिए यहां पर आपको एक नहीं, यहां पर आपको दो झीलें एक साथ निपटा देंगे। पहली बात तो कौन सी झील है? नाक से बना दोस्तों नक्की। क्या बना? नक्की। और मुझे बताइए ये नाक जो है किसके नीचे होती है? सिर के नीचे होती है। तो दोस्तों क्या बन गई? सिरोही। क्या बन गया? सिरोही। नाक किसके नीचे होती है? नाक होती है सिर के नीचे, तो बन गई सिरोही। तो नक्की झील कहां पर है? सिरोही के अंदर है। दूसरा देखिए, संभालने से दोस्तों संभालना पड़ेगा, मतलब कि कौन सी झील हो गई? सामर झील हो गई। और मेरे लाडलो ये सामर झील कहां पर है? तो दोस्तों जयपुर, अजमेर और नागौर। कहां पर? जयपुर, अजमेर और नागौर। लेकिन जो अधिकांश भाग है इसका वो जयपुर के अंदर है। तो देखिए राजस्थान में दोस्तों नाक संभालनी पड़ेगी अगर जान बचानी है। तो नाक से बना क्या? नक्की बन गया। और नक्की कहां पर है? सिरोही के अंदर है दोस्तों। और संभालने से क्या बन गया? सामर झील बन गया। और दोस्तों नमक के लिए फेमस है कौन सी झील? सामर झील, जहां पर हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड का दोस्तों क्या है, मुख्यालय भी स्थित है। और यह सामर झील का संबंध दोस्तों अधिकांश सामर झील जयपुर में है, लेकिन अजमेर और नागौर से भी संबंध है किसका? सामर झील का। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। और ये गजब की झील आपके सामने आ चुकी है, पोंगोंग तोसो झील। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्तमान में क्या है, ये चर्चा में है। कौन सी? पोंगोंग तोसो झील। अब आप पूछोगे मुझसे कि ये क्यों चर्चा में है दोस्तों, तो ध्यान रखना अगर आपने थ्री इडियट मूवी देखी है। कौन सी? थ्री इडियट मूवी देखी है। तो दोस्तों जो लास्ट वाला जो सीन था जहां पर आमिर खान की पिटाई करते हैं दोस्तों उसके सभी दोस्त मिलकर के, वो झील कौन सी है? वो लाडलो यही झील थी। हाँ मुझे पता है कि अब याद आई होगी आपको वो झील। और आप क्या कर रहे होंगे? पूरी मूवी सोच रहे होंगे दोस्तों। ऐसा मत कीजिए, जहां पर आपको लेकर चल रहा हूं वहीं पर रही है मेरे दोस्तों। देखिए ये झील कहां पर है? तो ये लद्दाख के अंदर है। अब आप याद कैसे करोगे? मेरे दोस्तों पंगा लिया है किसने? चीन ने पंगा लिया है इस झील में। किसने पंगा लिया है? चीन ने पंगा लिया है। और मेरे दोस्तों आपको पता है हमने कह दिया है चीन से पंगा मत ले, वरना क्या पड़ेगी? लात पड़ेगी। क्या पड़ेगी? लात पड़ेगी। तो मेरे दोस्तों चीन और भारत के मध्य वर्तमान में जो विवादित झील है वो कौन सी झील है? पोंगोंग झील है। तो ध्यान रखना है हमने चीन से कहा पंगा मत ले, वरना क्या पड़ेगी? वरना लात पड़ेगी। तो मेरे लाडलो जो पोंगोंग झील है वो कहां पर है? ये है लद्दाख के अंदर। कहां पर है? लद्दाख के अंदर है। और मेरे दोस्तों भारत और चीन के मध्य वर्तमान में दोस्तों जो विवादित पॉइंट है वो ये झील है। अगला देखिए दमदमा झील। कौन सी झील है? दमदमा झील। और मुझे बताइए कहां के पहलवानों में दम होता है दोस्तों? हरियाणा के पहलवानों में। कहां के? हरियाणा के पहलवानों में। तो दोस्तों ये झील कहां की है? ये झील है हरियाणा की। तो ध्यान रखना दमदमा जो झील है हरियाणा की झील है, हरियाणा के पहलवानों में क्या होता है? दम होता है दोस्तों। अगला पॉइंट देखिए, अगला जो पॉइंट है वो है डल झील। और मैंने कहा था कि वूलन के कपड़े डालने पड़ेंगे अगर कहां जाओगे? जम्मू कश्मीर जाओगे। तो डल झील भी कहां है दोस्तों? जम्मू कश्मीर के अंदर ही है।